आपके भी बदन में दर्द रहता है क्योंकि आप लॉन्ग आवर्स कोडिंग करते हैं? क्या आपकी भी लंबे समय तक स्क्रीन देखने की वजह से आंखें जलती हैं? क्या आपकी भी कमर में दर्द रहता है देर बैठने की वजह से? तो इस चेयर को फेंक दीजिए, क्योंकि ये है लेवस का वर्क स्टेशन और ये मैंने मंगाया ऑल द वे फ्रॉम बल्गेरिया टू इंडिया, वो भी $4,000 पे करके। तो यार ये तीन बड़े बड़े डिब्बे हैं, कस्टम से इसको ऑलरेडी खोला हुआ है या फिर ओपन फॉर कस्टम्स लिखा हुआ रहता है। इसमें यार लेवस की ब्रांडिंग है कि गद्दी फट जाए प्रॉब्लम हो सकती है। इसको यहाँ रखता हूँ डब्बे को, बस हाँ डब्बे को खींच लो। ओह वैसे इसमें वीडियोस वगैरह इसके अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो शायद मुझे इसका असेंबली का कोई वीडियो देखना पड़ेगा, बहुत भारी है। ओह मुझे कुछ मिला, वाओ यही ढूंढ रहा था मैं। A few moments later. So यार करते करते जो है रात हो गई है और भी हम लोग करनी है यार इसको। Next morning. एक एवरेज इंडियन दिन में 8 से 10 घंटा सिटिंग करता है। अगर आप लोग एक एवरेज इंडियन टेकी हैं, तो आप लोगों को प्रोलॉन्ग सिटिंग से नेक पेन, बैक पेन, लोअर बैक पेन, नी पेन भी हो सकता है। इंडिया के अंदर पर्सनली मैंने ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं देखा। जब मैं बाहर गया था डिफरेंट कंट्रीज में, तो मैंने इस तरह की काफी चीजें देखी थी, बट द थिंग इज कि मुझे एग्जैक्टली इस तरह का कोई चीज जो कि जीरो ग्रेविटी वर्क स्टेशन हो, मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिला। अब ग्रेविटी का इफेक्ट सिटिंग के टाइम पर बहुत ज्यादा आता है, जिसकी वजह से आप लोगों को डिफरेंट तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, और आप लोगों को रिलैक्स करने के लिए प्रोलॉन्ग सिटिंग के वक्त इस तरह की चीज को बनाया गया है। आप लोग इसकी हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, ऊपर या नीचे जैसे भी आप चाहें। अब इसके साथ ये आर्मरेस्ट भी मिलता है, जिसको मैं कुछ इस तरह से रख के अपने हाथ को सेट कर सकता हूँ ऐसे, और मुझे फिर उसके बाद कोई भी काम करना है, वीडियो वगैरह देखना है, तो मैं देख सकता हूँ मेरा हाथ यहाँ पर रेस्ट करेगा। तो ये आर्मरेस्ट काफी सही है, इसको यहाँ की बजाय मैं यहाँ भी रख सकता हूँ। मैं यहाँ पे लेटे लेटे काम कर रहा हूँ, ये एक सबसे बड़ा यूएसपी है इसका। जब आप इसके अंदर लेटते हैं, तो आप लोगों की बॉडी एक ऐसी पोजीशन में आती है जिससे कि आपको लोअर बैक पेन, नेक पेन और ये जो और पॉसिबल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होंगी। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वर्क स्टेशन है या किसी भी तरह की चेयर हेल्दी लाइफस्टाइल वर्कआउट या किसी भी तरह का अच्छी डाइट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। कभी भी इस तरह की कोई भी चीज या किसी भी तरह का खर्चा आपको एक हेल्दी डाइट का रिप्लेसमेंट नहीं दे सकता। मेरा पर्सनली मैं बताऊं, मैंने इसको इसलिए मंगाया क्योंकि नेक पेन, बैक पेन और प्रोलॉन्ग सिटिंग टू बी ऑनेस्ट मैं अवॉइड कर नहीं पा रहा था, गिवन द फैक्ट मैं कोडिंग करता रहता हूँ एक ही सीट पर बैठे बैठे, और मैं इस चीज को किसी भी तरह से चेंज नहीं कर पा रहा था। तो इन्वेस्टिंग इन अ वर्क स्टेशन लाइक दिस एक्चुअली वर्कड आउट फॉर मी। अब इसके अंदर बैठ के ऐसा लगता है कि मैं रेस्ट कर रहा हूँ, एट द सेम टाइम मैं काम भी कर रहा होता हूँ। तो वर्किंग वाइल यू आर थिंकिंग दैट यू आर रेस्टिंग इज एन अमेजिंग फीलिंग। इंडिया के अंदर वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो भी काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। एट दिस पॉइंट वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो 40% है, जिसका मतलब की 100 लोगों में से 40 लोग टैकीज है, ऐसे वर्कर्स है जो किसी ना किसी तरह की सिटिंग करते हैं, एंड एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम वो लोग जो सिटिंग में परफॉर्म करते हैं वो अराउंड 8 से 10 घंटा है। अब सुनने में काफी महंगा आप लोगों को लग रहा होगा, बट इसकी बिल्ड क्वालिटी, गिवन द फैक्ट कि आप लोगों को एक रेडीमेड प्रोडक्ट मिलता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको सिंपली असेंबल करो, इसके अंदर लेट जाओ, इसमें मॉनिटर्स माउंट करो, मेरे हिसाब से कन्वीनियंस की बात है यार। एंड टू बी ऑनेस्ट ये काफी मुझे हेल्प कर रहा है, और मेरे हिसाब से ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10-15 ईयर्स ये मेरे पास रहेगा, तो ये एक वर्थ इट इन्वेस्टमेंट है पर्सनली मेरे लिए। तो यार मैंने यहाँ पर माउंट किया हुआ है अपना एक एसर का मॉनिटर, और मैकबुक मेरी वहां पर रखी हुई है, और मैं इसको सबसे ज्यादा पसंद तब करता हूँ जब मैं कोडिंग कर रहा हूँ। मान लो मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ या मैं कोई डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहा हूँ, तो मैंने डॉक्यूमेंटेशन लगा ली वहां पर और मैंने यहाँ पर अपना जो है कोड लगा लिया। मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये मेरी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाएगा। अब इसको मैंने अपने काफी टीममेट्स और दोस्तों को भी टेस्ट करवाया, और उन लोगों ने यही कहा कि यार कुल मिला के एक्सपीरियंस काफी पॉजिटिव है। क्या कहना चाहेंगे आप इस लेवस वर्क स्टेशन के बारे में? यार चीज तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप फ्री में दे दो तो जरूर ले लूंगा। क्या टाइप कर रहे हैं आप? प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग कर रहे हैं आप? कौन सी लैंग्वेज में? पाइथन। पाइथन में, ओके। आपकी फेवरेट लैंग्वेज कौन सी है? पाइथन।
कहीं ना कहीं सुनकर ये लगेगा कि यार ये बहुत ज्यादा महंगा है, क्योंकि मैंने जब 35,000 रुपए की चेयर अनबॉक्स करी थी तो उसपे सबसे ज्यादा कमेंट्स यही आए थे कि यार ये बहुत महंगी है। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा था कि यार की नी प्रॉब्लम लोअर बैक को भी जो है सॉल्व कर सकती है। इस तरह की चीज में इन्वेस्ट करने से एक तो मैं यहाँ लेट के बाहर आउटडोर में काम कर सकता हूँ, कहीं ना कहीं आई स्ट्रेन भी कम होगा। क्या है ना कि हम लोग नेचुरल लाइट जो है वो काफी मिस कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। इवन मैं भी जब स्क्रीन टाइम मेरा बढ़ता है तो नेचुरल लाइट को लेने के लिए आता रहता हूँ बाहर। मैं ऐसा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऑक्सीजन है, हर घर में होनी चाहिए, इसके बिना आप कोडिंग नहीं कर सकते। इट्स अ लग्जरी आइटम। हाँ कहीं ना कहीं फ्लेक्स है इसका, लेकिन मेरे हिसाब से ये रियल स्टेट की तरह है कि यार आपके पास एक मकान है, आपके पास जमीन है, फ्लेक्स का फ्लेक्स है, लेकिन काम में भी आने वाली चीज है। वाह 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 वा। सो यार ये है मेरा लेवस वर्क स्टेशन जो कि मुझे अभी एक वीक के अराउंड हो गया यूज करते हुए। अगर आप लोग को भी मंगवाना हो लेवस से ही, मेरे हिसाब से ऑपरेशंस जो है ओवरऑल काफी स्मूथ है। आप बुक करोगे यहाँ से और आपका वहां से शिपमेंट निकल जाएगा, आपको बहुत ही स्मूथली घर बैठे बैठे डिलीवर हो जाएगा। बस हाँ खर्चा है थोड़ा सा, मैं मानता हूँ इस बात को, मुझे कहीं ना कहीं इसकी नीड लग रही थी। काफी टाइम से सोच रहा था कि यार घर लेकर आऊं इस तरह की कोई चीज। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो यार आप लोग को ये कैसा लगा मुझे जरूर बताना। मैं आप सबकी राय जानना चाहता हूँ कि यार इस तरह की चीज में आप लोग का क्या ओपिनियन है। क्या आप लोग को लगता है कि ये एक टैकी के लिए, एक इंडियन टैकी के लिए जो 8-10 घंटा बिताता है बैठ के, हेल्प करेगा उसको? लेकिन मैं जानना चाहता हूँ यार आप कैसे सोचते हो। ये टू बी ऑनेस्ट मेरी लाइफ का एक मेजर इन्वेस्टमेंट में से एक है। इस तरह के वीडियोस अगर आप लोग देखना चाहते हैं, मेरे पर्सनल गैजेट्स की अनबॉक्सिंग वगैरह, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।